उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। बड़ी उम्मीद थी सपा और लोकदल गठबंधन को कि इस बार सरकार बन जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और लोकदल का गठबंधन था, किसान आंदोलन का असर था। कहा जा रहा था कि इस आंदोलन ने जो दंगे हुए थे 2013 में उसके जो घाव हैं वो भर दिए हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। सपा गठबंधन में लड़ी आरएलडी ने 8 सीटें जीती। जाहिर सी बात है पिछली बार 1 सीट थी, इस बार 8 सीट हो गई है, लेकिन चुनाव तो जीतने वाली बात होती है। हमारे साथ जयंत चौधरी हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं एनडीटीवी से चुनाव के बाद। जयंत जी, क्या हुआ? बड़ा गर्मा गर्मी वाला कैंपेन था। योगी जी कह रहे थे कि लोगों को गर्मी चढ़ गई है, आप बोल गर्मी उतारेंगे, आपने बोला नहीं, यहाँ के लोग का खून गर्म होता है, वैसे भी होता है, हम भर्ती निकालेंगे। बड़ा गर्मा गर्मी हुई, बड़ा प्रचार हुआ, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं जीत पाए आप लोग। सीखने को मिलता है हर चैप्टर से, और इस चुनाव में कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सुधार करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि जो हमारे मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें संगठन के ढांचे में काम करने की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और वो भावना उनके अंदर पैदा हो। किसानों को अपना संगठन बनाना पड़ेगा, राजनीतिक संगठन, और किसान के साथ साथ जो किसान और मजदूर का एका होना चाहिए, जो शहरी क्षेत्र में हमारा संगठन होना चाहिए, उस पर हम लोग बल देंगे। बाकी आप ठीक कह रहे हैं, हम चुनाव हारे भी हैं क्योंकि जिस मकसद को हम पूरा करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, उसमें हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन वहीं हम बात करें तो जिस क्षेत्र में योगी जी ने बात कही थी कि जिस क्षेत्र के लिए कि गर्मी निकाल दूंगा, उस क्षेत्र के परिणाम आप देखेंगे तो यस, किसान आंदोलन का भी प्रभाव हुआ, और जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया कैराना और मुजफ्फरनगर को, उसका भी जवाब जनता ने दिया है। कैराना पलायन का एक बिल्कुल यूजलेस मुद्दा, जो मुद्दा ही नहीं है, उसे मुद्दा बनाने की फिर दोबारा कोशिश की गई, वहीं से बीजेपी के कैंपेन की शुरुआत हुई, लेकिन उस जिले के 3 सीटों पे गठबंधन जीता है। जिस नेता ने भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण को पैदा करने के लिए पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, इस पूरी बेल्ट में वो हारे हैं, तो ये भी एक सफलता है। लेकिन सर, सफलता तो है, लेकिन देखिए आप लोग सहारनपुर बहुत अच्छा नहीं कर पाए उम्मीद के मुताबिक, ठीक है, धर्म सिंह सैनी हार गए, बहुत करीबी मार्जिन से हार गए, बागपत हार गए आप लोग बहुत करीबी मार्जिन से, बड़ौत हार गए, ये भी सब वो बेल्ट है, गाजियाबाद आप हार गए, नोएडा आप हार गए, बुलंदशहर में आपने 1 सीट नहीं जीती, ब्रज में आप लोग पूरी तरीके से साफ हो गए, बुलंदशहर नहीं जीते, आगरा नहीं जीते, हाथरस में आपको 2 सीटें मिली, लेकिन इस क्षेत्र में भी आप कहीं कहीं जहां लग रहा था कि 2 या 3 सीटें आ जाएंगी, बिल्कुल आप लोग जीरो हो गए। ये सारे जिले गोल हो गए, गाजियाबाद से ऊपर आप जाके देखें आगरा तक, और बल्कि लखीमपुर खीरी और तेराई के रीजन में भी जो नतीजे आने चाहिए थे, जहां किसान आंदोलन तो के आपने बोला कि ध्रुवीकरण की कोशिश, भले ही मुजफ्फरनगर शामली में वो असर ना दिखा हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर लिया, जो सारे कैंपेन हुआ, चाहे वो हिजाब की बात हो या गर्मी की बात हो या जिन्ना और तमाम चीजें जो निकाली गई, भले ही 2-3 सीटों की आप बात करें जहां पर आपने अच्छा किया, उन सीटों के बारे में बताइए जयंत जी जहां पर अच्छा नहीं कर। हम विश्लेषण कर रहे हैं, मैंने 3 मेंबर की समिति बनाई है जो हर जिले में जाएगी, कैंडिडेट से अलग बात करेगी, संगठन से अलग बात करेगी, हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे या जो उनके संगठन के लोग हैं उनसे अलग बात करेगी, राय लेगी और अपने सुझाव देगी आगे के लिए, क्योंकि वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। बट आप ठीक कह रहे हैं कि एक गहरे तौर पर हमें सोचने की का एक बहुत बड़ा एक विषय हमारे सामने आ चुका है। सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से इतना लंबा चुनाव हो जाता है, वोटर भी थक गया था। आपने देखा कि मत प्रतिशत जिस तरह के होने चाहिए एक अच्छे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, लोगों को निकल के वोट करना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो लगा जो तो, वोटर कम रहा वो आपको नुकसान कर। अब सरकार दावा करती है कि हम एक बारी में देश का चुनाव कराएंगे, और एक राज्य में आप पूरा महीना लगा रहे हो चुनाव कराने में, महीने से ज्यादा हो गया, तो वो भी एक फैक्टर है। और इतने जब लंबा चुनाव खिंच जाता है तो बीजेपी के पास वो मशीनरी है, वो प्रोपेगेंडा को करने की, फैलाने की, वो उनके पास व्यवस्थाएं हैं, वो संसाधन हैं, और उन संसाधनों का वो प्रयोग करते हैं। जैन जी, ये बड़ा चर्चा हो रही थी और हम लोग भी डेटा एनालाइज कर रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि नहीं, जाटों ने आरएलडी को वोट नहीं दिया, जैन के साथ जाट गए नहीं, और डेटा है, हम चाहते हैं वो आप बताएं, हम सुनना चाहते हैं, लेकिन एक परसेप्शन ये बना कि जैन का साथ नहीं दिया, जो जाट इतना इकट्ठा थे, लग रहा था किसान आंदोलन का जबरदस्त असर होगा, राकेश टिकैत भले ही किसी पार्टी की
तरफदारी ना कर रहे हो, लेकिन उनके जो बयान थे वो ये लग रहा था कि बीजेपी के साथ तो नहीं है, बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आपको जाटों ने वोट दिया कि नहीं दिया, ये बहुत आम सवाल है, पत्रकारिता का सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सिसौली जिस क्षेत्र में आता है, जो कि सिसौली किसान राजनीति का एक केंद्र बिंदु है, उस विधानसभा को हम बड़े मतलब कंफर्टेबली उस विधानसभा को हम जीत रहे हैं। और उमेश मलिक वहाँ उस क्षेत्र के विधायक थे, जिनके ऊपर कुछ एक आरोप लगे हुए थे पुराने, उनको हरा कर जीते हैं। बाकी ये विश्लेषण किसी डेटा पर आधारित नहीं है। सच्चाई ये है कि जाति गणना हुई नहीं है। बैकवर्ड की गिनती ये लोग कैसे कर लेते हैं जब संख्या सरकार को नहीं मालूम कि जाट कितना है, गुजर कितना है, यादव कितना है। अब इसी मांग को लेके कैंपेन में भी हम लोग कहते आए कि जाति गणना होनी चाहिए। बिहार के भी कुछ राजनीतिक ताकतें इसकी मांग करती आई हैं, सामाजिक न्याय की जो भी मांग करते हैं देश भर में ताकतें, वो इसको कहती हैं कि इसकी जाति की गिनती तो हो। तो ये एक सर्वे है और इस सर्वे को लोग फिर ऐसा कोट करते हैं जैसे ये कोई आधिकारिक सूचना हो। इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। आपने 100 लोगों का सैंपल साइज लिया, 100 में से आपने आकलन कर लिया कि इस सीट पे इतने जाट हैं, मुझे नहीं मालूम। सर्वे के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कैसे मालूम? तो CSDS या जो भी सर्वे कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, इसको एक मतलब गॉस्पेल ट्रूथ ना माना जाए। फिर इसको सामाजिक साइंटिस्ट और एनालाइज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं कि इस बिरादरी की इतनी वोट बीजेपी को मिली, कैसे पता आपको? तो ये आपका आकलन है और इससे मैं सहमत नहीं हूं। मतलब जो भी खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, उसकी भावना थी, वो हमें जिताना चाहता था। आखिरी वक्त पे क्या फैक्टर आ गए, क्योंकि वोट का बड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है। हो सकता है वो बीजेपी से नाराज था, वो योगी से नाराज था, हो सकता है कुछ उनमें तबका था जो केंद्र सरकार के फैसलों से नाराज था, लेकिन वो नाराजगी शायद इतनी नहीं थी कि उसने अपने वोट को चेंज कर दिया। नाराजगी हो सकता है वो हम पे विश्वास कर रहा था, वो मुझे पसंद कर रहा था, हो सकता है वो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा था, लेकिन आखिर में कोई और चीज आ गई। तो ये इसको प्रिडिक्ट करना असंभव है। हम अपना काम कर सकते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज लेके हमने चुनाव लड़ा, हमने कोई इधर उधर की बात नहीं कही, हमने भाईचारा जिंदाबाद का नारा लेके हमने चुनाव लड़ा और हर कास्ट का, हर बिरादरी का वोट हमें मिला है। ये हमारी एक बड़ी सफलता। ऐसा तो नहीं लगा कि इस बार लोगों को ये लगा, और मेरे को लगता है रिपोर्टिंग के दौरान उनको लगा कि जाट मुसलमान एक हो गए, तो बाकी जो बिरादरी थी, बाकी जो जातियां थी, वो उसका वोट नहीं मिला जैन जी आपको? मतलब ये एक व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर बोल रहा हूँ, जैसे कि आप लोग, बहुत लोग चर्चा में आ रहे हैं कि बसपा खराब लड़ी, कमजोर लड़ी, बसपा का जो वोट बैंक था दलितों का वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया, उसका बहुत क्या कारण देखते हैं? क्या गुजर वोट आपको नहीं मिला, क्या सैनी वोट नहीं मिला आपको? नहीं, गुजर हमारे विधायक भी जीते हैं और हमारे सैनी प्रत्याशी बहुत कम वोटों से हारे हैं, और SC का वोट भी हमें मिला है। आप ये समझिए कि ये वो एक फैक्टर था, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये जो समीकरण है सामाजिक, ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है और आपसी तनाव के भी रिश्ते रहे हैं यहाँ। तो ये हम लोग सोचे हैं कि हमने एक प्रयास किया और वे हमारे साथ 100% जुड़ जाएंगे, संभव नहीं है। विश्वास जीतना पड़ता है, इसलिए हमने बहुजन उदय अभियान का कार्यक्रम चलाया था कि हमारे उन बूथ पे जहां आज संगठन नहीं है, अनुसूचित जाति के लोगों को जोड़ा जाए, अति पिछड़ा समाज के लोगों को जोड़ा जाए, उनके मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल काम करें। हमने पहल की और उसका कुछ असर दिखाई दिया है, बाकी हम लोग और उसको ताकत देंगे, उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जैन जी, क्या आपको और अखिलेश जी का गठबंधन बहुत कंफर्टेबल था, आप लोग साथ थे, लेकिन हमें देखा कुछ सीटों में टिकट बंटवारे को लेकर के बड़ा मनमुटाव हो गया, RLD और सपा के लोग सामने आ गए, बाद में आप लोगों ने सुलझाया, जैसे एक मार्ट सीट है बड़ौद में भी ये देखने को मिला हमें मीरापुर में भी देखा, कई सीटों में हमने ऐसा देखा जहां पर आप लोगों के कार्यकर्ता गठबंधन तो हो गया जयंत और अखिलेश का, लेकिन जमीन पर सपा और लोकदल के लोगों का गठबंधन सही से नहीं हो पाया। क्या ये भी मानते हैं कि परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी, लेकिन जमीन पर बहुत बिल्कुल नहीं, परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी, चयन में भी हम लोगों से गलतियां हुई होंगी और उन गलतियों को हम स्वीकारते हैं और इससे सीखने का हमें मौका मिल रहा है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई लीडर परफेक्ट नहीं होता, कोई गठबंधन परफेक्ट नहीं होता, समझाना पड़ता है कार्यकर्ताओं को भी, और टकराव भी बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि किसी आदमी ने मेहनत कर रखी है उस क्षेत्र में, उसे लगता है मेरा हक मारा गया है। और सब लोग हमारे यहाँ मतलब मूवमेंट से भी जुड़े लोग हैं, लोग सिद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से हमारे साथ हैं, लेकिन उनके एक व्यक्तिगत आस्था भी है, उनका खुद का पर्सनल एम्बिशन भी है,
तो सबको सेटिस्फाई करना भी कभी कभी असंभव हो जाता है। सीटें जहां पे आप 200 वोट 250 वोट बहुत कम मार्जिन से, इसलिए थोड़ा सा भी प्रयास होता है, बल्कि जब बड़ा मार्जिन होता है तो बुरा नहीं लगता। कम मार्जिन होता है तो आदमी सोचता है मैं एक मोहल्ला और कवर कर लेता तो शायद जीत जाता। अच्छा, तो चुनाव के बाद अखिलेश यादव से बात हुई जयंत चौधरी की? हाँ बात हुई, बात हुई। तो हम देखेंगे कि लोकसभा में भी जो भाईचारा अखिलेश यादव जयंत चौधरी का एलडी और सपा का है, क्या लोकसभा चुनाव आप लोग साथ लड़ेंगे? बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव में क्योंकि ये एक अलग चुनाव है और अलग फैक्टर्स को लेकर हमें चलना पड़ेगा और नए समीकरण भी हमें बैठाने पड़ेंगे, तो अभी से हमें लगना है और अभी से और भी जो लोग जो ऐसी ताकतें हैं जो जमीन में काम कर रही हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास हमें करना चाहिए। यानी आप और अखिलेश जी साथ में हैं लोकसभा चुनाव में? मैं तो खुल के कह रहा हूँ। खुल के क्या कह रहे हैं? आप झुका कि अभी चुनाव साथ लड़े हैं और अगले लोकसभा चुनाव के पहले भी हम लोग बैठेंगे, अभी से हम तय करेंगे कि कैसे लड़ा जाए और वो समीकरण जो आज हम नहीं बना पाए सामाजिक उसे बनाएंगे। जयंत जी, आप चूंकि इस बार अजीत चौधरी जी के बिना उनका देहांत हो गया, उनके बिना पहला आपका चुनाव था, आप चेहरा थे, आप फ्रंट से लीड कर रहे थे और हमने याद है जब वो राकेश टिकैत जी का वो हुआ था मामला गाजीपुर बॉर्डर पर और अगले दिन आप लोगों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई थी, इतनी जबरदस्त भीड़ और एक आपने मेहनत भी की, आपको लगता है कि वो जितनी भीड़ थी जो रैलियों में थी, किसान महापंचायतों में थी, उस हिसाब से वो वोट में ट्रांसफर नहीं हुई एंड में? और हम लोग बिल्कुल बिल्कुल लगता है वोट का निर्णय और आपके जीवन से जुड़े मुद्दे दोनों में एक डिस्कनेक्ट तो है और डिस्कनेक्ट नहीं होता तो 80-20 और मतलब धमका के जिस तरह से वोट लिया गया या मतलब एक डाइवर्जनरी टैक्टिक हो जाती है चुनाव में, आप देखते हो कि वहाँ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो इसलिए लाए जाते हैं ताकि आदमी का मन बदले, कोई डाइवर्जन आ जाए। नहीं, अल्टीमेटली तो आप देखिए उनका मत परसेंट, उनकी जो संख्या घट गई हाउस में, तो 80-20 कहाँ उनको मिला। और अगर आज सरकार पक्षपात करेगी, जिसे वो 20 मानते हैं, उस 20 के साथ अगर वो पक्षपात सरकार करेगी, भले बहुमत उनके पास है, हम लोग उनका डट के साथ देंगे, डट के साथ देंगे। जी, आखिरी सवाल जयंत जी आपसे, आप चुनाव खत्म हो गया, समीक्षा हो रही है, आपने सारे अपना संगठन भंग कर दिया है, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भंग कर दिए हैं, आगे क्या देखेंगे आरएलडी में, हम क्या बड़े बदलाव देखने जा रहे हैं आगे, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में, आप कह रहे हैं कि भेदभाव होगा तो आप जमीन पर रहेंगे, हम देखेंगे आगे आरएलडी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, क्योंकि अभी आरएलडी चौधरी अजीत सिंह की आरएलडी नहीं है, ये चौधरी जयंत की है, जयंत चौधरी नहीं, ये हमेशा चौधरी चरण सिंह जी की और चौधरी अजीत सिंह जी की ही आरएलडी रहेगी, लेकिन समय के साथ बदलाव करना चाहिए, समाज भी बदल रहा है और समाज की के मुद्दे भी बदल रहे हैं, उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। मेरे समझ से दो चीज़ें हैं और उसको कैसे लागू करना है उसका हम एक विजन और प्लान तैयार कर रहे हैं। नंबर एक कि यूथ के अंदर जो आज एक नाराज़गियाँ हैं और एक उत्सुकता है और वो एक उम्मीद के साथ राजनीतिक भागीदारी लेना चाहता है, उसे वो मौका मिलना चाहिए और जब यूथ को मौका मिलेगा तो नई लीडरशिप पैदा होगी। महिलाओं को हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती, ये फैक्ट है। सभाओं में महिलाएं नहीं आती, संगठन में काम करने के लिए जो महिला काम करनी चाहती भी होंगी शायद हम उनको चिन्हित ही नहीं कर पा रहे, उनको ढूंढ नहीं पा रहे, उनको मौका नहीं दे पा रहे, तो उनको चिन्हित करना जरूरी है, उनको मौका देना जरूरी है। तो यूथ और फीमेल्स पे हम फोकस देंगे। और सेकंड इशू ये है कि बहुत से ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक व्यवस्था से दूर हैं, वो जमीन पे काम करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आरएलडी उनके बीच भी एक नेटवर्क बनाएगी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको राजनीतिक मूवमेंट में शामिल करने की जरूरत। बात बताइए, याद आ गई, क्योंकि आप लोगों ने मैनिफेस्टो बड़ा अच्छा बनाया है, आपका और अखिलेश जी का मैनिफेस्टो अच्छा था, 300 यूनिट बिजली और आपके भी तमाम, आप लोगों ने राय शुमारी करके आपने तो अपना मैनिफेस्टो बनाया था जी। आप एक बहुत ईमानदार जवाब दीजिए जयंत जी, लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर वोट नहीं पड़ते हैं जो बाकी चीजें हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, जाति हो? अगर मुझे ये लगने लगेगा तो मैं घर ही बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं, आप और मैं जी सब, तो वी हैव टू बी पॉजिटिव, सकारात्मक, हमें भी खुद सोचना पड़ेगा, लीडर का काम ये होता है। लीडर अगर जनता पे विश्वास नहीं करेगा तो वो जनता के उम्मीदों पर कभी खड़ा नहीं उतर सकता। जो जनता ने फैसला लिया सही फैसला लिया, मैं उस फैसले के साथ हूँ, उस फैसले का सम्मान करता हूँ। आगे हमें और प्रयास करना है, कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है, हमारे कम्युनिकेशन में गलतियां रही, हमने कोशिश की, सबसे पहला हमने मैनिफेस्टो जारी किया था, इसलिए किया था कि कम से कम हम चर्चाओं में आए, हमारे वो मुद्दे चर्चाओं में आए, वो चर्चाओं में आए। बीजेपी ने भी बिजली की बात की, मोदी जी ने फिर छुट्टा पशु की बात की, तो वो मुद्दे आए
वो संज्ञान, उसका संज्ञान सभी पार्टियों ने लिया, उसका संज्ञान वोटरों ने अपने जो उनकी भावना थी उसे दर्ज किया। वो वोट में कुछ हद तक तब्दील हुआ है, कुछ हद तक नहीं हुआ है। हम उन इश्यूज को लगातार ट्रैक करेंगे। मैं लोकदल की बात कर सकता हूं, हमने लोक संकल्प 2022 के नाम से ट्विटर पे अकाउंट बनाया था, उस पे हम लगातार कम्युनिकेशन कर रहे थे। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, अभी होली आ गई है, उन्होंने सिलेंडर बांटने की बात की थी, कई तमाम वादे किए थे, कुछ बातें ऐसी थी जो हमारे मैनिफेस्टो से लेके उन्होंने उसको शामिल कर लिया था। हम उन चीजों को ट्रैक करेंगे। विपक्ष का यही काम है कि जो हमने वादे किए हम विपक्ष में बैठ के भी उनको पूरा करा सकते हैं। जयंत जी से बात बड़ी जबरदस्त रहती है जब रहती है, बहुत ईमानदार जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां हुई, अपने मुद्दे नहीं समझा पाए, और ये बात मान रहे हैं कि जमीन पर 80 बनाम 20 नहीं होगा। जिन शहरों पर दंगों का असर था उन शहरों में सपा और लोकदल ने बहुत अच्छा किया। मुजफ्फरनगर, शामली, वो तीनों सीटें जीत गए। मेरठ में भी संगीत सोम हार गए और बेहतर हुआ परफॉर्मेंस, लेकिन ब्रज में वो नहीं कर पाए, बता पाए। तो मान रहे हैं कि वो अपनी चीजें, मुद्दे लोगों को नहीं समझा पाए। अब विपक्ष में है, कह रहे हैं मुद्दे उठाएंगे, लड़ेंगे। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि वो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी अशोक महाले के साथ दिल्ली में, सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी।